खुला संगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी जो पूरी टीम है, जैसे अध्यक्ष हरकिरण कौर धामी, सुनीता बगारे नगर सेविका, दादा सतराम दास, भीम मोरे, महादेव बगारे और दूसरे भी बहुत सारे पदाधिकारी है, और मेला विंग की रेखा हीरा, अपने इन सब लोगों ने मिलके पूरे शहर के लिए 1200 पैकेट का रोज का खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे उल्लासनगर में। कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों? शहरवासियों को यही दूंगा कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस आ रही है वो हमारे हित की है, हम अगर उनका पालन करेंगे तो ये महामारी को हम जड़ से उखाड़ सकेंगे। अगर हम लोग सरकार को सहकार नहीं करेंगे और हम इसी तरह समझो घूमेंगे, रोड पे निकलेंगे अपने शौक पूरे करने के लिए, तो वो हम जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे और इस महामारी का ये जो वायरस है कोरोना वायरस, वो हमारे घर तक भी पहुंचने में देरी नहीं करेगा। तो इसमें जनता से, शहरवासियों से सबसे निवेदन है कि आप अपने घरों में सीमित रहें और सरकार को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, घर परिवार वालों को सेफ रखें, इसी में ही हम सबकी भलाई है। कैसा है पूरा देश कोरोना जैसे महाभयंकर बीमारी का सामना कर रहा है, उसमें हर तरह से प्रशासन शासन सब तरफ से एक युद्ध जैसी रणनीति करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास से एक दो दिन पहले सब जितने भी न्यूज चैनल थे उससे एक न्यूज देखी है मैंने कि जहाँ पर एक भारत देश का सबसे बड़ा नेता हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और हमारे जो खासदार है आदरणीय सुप्रियाताई सुड़े, इनका जो मतदार संघ है बारामती, वो मतदार संघ में आने वाली जो बारामती नगर परिषद है उस नगर परिषद में जो नियोजन है कोरोना जैसे महाभयंकर महामारी को रोकने के लिए जो लिया गया है, उसी प्रकार का अगर निर्णय सभी स्थानीय स्वराज्य संस्था में अगर लिया जाता है तो इस महामारी के संकट से अपन को जल्दी से राहत मिलेगी। क्योंकि जो बारामती पैटर्न है वो बारामती पैटर्न सब इस आज के घड़ी में सबसे उपयुक्त है। तो मैं यहाँ के उल्लासनगर के प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जो बारामती पैटर्न है अगर उल्लासनगर शहर में लागू किया जाए तो उसके आधार पर अपन भी इस बीमारी का जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकेंगे और एक उल्लासनगर शहरवासियों को अपन अच्छी राहत दे सकेंगे। बारामती पैटर्न में सबसे पहला बात तो ऐसा है कि वहाँ पे 44 वार्ड्स है, 44 वार्ड्स में से जो 44 कारपोरेटर है वो कारपोरेटर, उनके साथ में एक पुलिस, एक डॉक्टर्स, एक नर्स और एक नगर परिषद का जोनल ऑफिसर, ऐसे 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है। वो टीम जो कारपोरेटर का वार्ड रहेगा, हर कारपोरेटर के मतलब साथ में 5 लोग रहते हैं, वो 5 लोग जितने भी उनकी समस्या रहेगी, मेडिसिन के रहने दो, घर के अनाज के रहने, मतलब जो भी समस्या रहेगी वो समस्या का सोल्यूशन जगह पर दे रहे हैं। इस वजह से जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो रास्ते के ऊपर घूमने नहीं जाती है या कोई काम के लिए बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनको जो होम डिलीवरी की जो सुविधा है वहाँ पे प्रशासन के माध्यम से लोक प्रतिनिधि द्वारा वहाँ पे जगह पे पुराई जा रही है, पूरी की जा रही है। तो वही जो ये है पैटर्न है अपने उल्लासनगर में भी लागू